और नन्ही गाड़ियाँ। काम करने के बाद डीजल चूचू शहर वापस आ रहा है। गानी खड़ी है। गानी, बताओ अब हम क्या खेलेंगे? अच्छा, सोचने दो, क्या मजेदार करें? हाय गानी, यहाँ क्या कर रही हो तुम? हाय डीजल, कैरी को कुछ अचानक काम पड़ गया, इसलिए मैं इन नन्ही कारों को संभाल रही हूँ। हेलो। हाय, तुम सबसे मिलकर अच्छा लगा। मेरा नाम डीजल है। हाय डीजल। वाओ, तुम कितने बड़े हो। मैंने पहली बार रेलगाड़ी को इतने पास से देखा। हाँ, मैं बड़ा और अच्छा तो हूँ ही, और आवाज भी सुनो। डीजल एक मालगाड़ी है, ये अपनी माल बोगी पर भारी सामान खींचता है। ये है सामान रखने के लिए बोगी। मुझे इनकी सवारी करनी है, प्लीज। हमें भी सवारी करनी है। हाँ, प्लीज करा दो। देखो बच्चों, डीजल काम करके थक गया है, उसे आराम करना है। अरे कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सैर करवा दूंगा। डीजल ने नन्ही कार्स को बिठा लिया और उन्हें घुमाने लगा। लगता है डीजल बिल्कुल मेगा ट्रेन जैसा है। अरे नहीं, डीजल मेगा ट्रेन से भी कहीं ज्यादा अच्छा है। मेगा ट्रेन मतलब दुनिया की सबसे दमदार रेलगाड़ी। हाँ, डीजल बहुत अच्छा है। तो डीजल इतना अच्छा है। शुक्रिया। सुनो बच्चों, जी? तुम देखना चाहते हो कि हर रोज मैं क्या काम करता हूँ? हाँ, हमें देखना है। ठीक है, जब मेरी छुट्टी होगी मैं तुम सबको खदान और बंदरगाह ले जाऊँगा। सच्ची? वाह, हम इंतजार करेंगे। डीजल सबसे अच्छा है। अगला दिन, टीटी पो और डीजल काम पूरा करने के बाद शहर लौट रहे हैं। टीटी पो, मेगा ट्रेन के बारे में सुना है तुमने? जरूर सुना है, मेगा रेल दुनिया की सबसे दमदार रेल है। मैंने समाचारों में उसे देखा था, वो बहुत शानदार है। अच्छा, लेकिन पता है एक ट्रेन ऐसी भी है जो मेगा ट्रेन से कहीं ज्यादा अच्छी है। ज्यादा अच्छी? कौन सी रेल है? तुम्हें गर्व होना चाहिए, वो ट्रेन मैं हूँ। क्या तुम हो? कल मैं नन्ही कारों से मिला और उन्होंने कहा मैं मेगा ट्रेन से ज्यादा अच्छा हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी वो इतनी छोटी है कि किसी अच्छी रेल से मिली नहीं है। क्या तुम्हारा मतलब मुझसे भी कोई अच्छी ट्रेन है? मेरा मतलब था एक बार नन्ही गाड़ियाँ दूसरी रेलगाड़ियाँ को देख लेंगी तो उनका विचार बदल सकता है। जो तुम्हारा मन करे तुम सोचते रहो, वो चाहे जिससे मिलने, लेकिन नंबर वन तो मैं ही हूँ। तो ऐसा नहीं लगता। अरे छोड़ो। आज डीजल का नन्ही कारों से मिलने का दिन है। वो रहे वो। हेलो बच्चो। पूरे एक हफ्ते तक ये सिर्फ तुम्हारी बातें कर रही थी। हम आज का इंतजार कर रहे थे। सच में? तो आज के दिन हम खूब मौज करेंगे। अब तुम आ गए हो तो मैं काम पर जा रही हूँ। डीजल, इन सब का ध्यान रखना, ठीक है? तुम बिल्कुल चिंता मत करो। तो बताओ प्यारे बच्चों, घूमने के लिए तैयार हो? तो चलते हैं। चले चले डीजल के साथ घूमने। मुझे इन बच्चों पर अपनी छाप छोड़नी पड़ेगी। डीजल नन्ही कारों को लेकर खदान पहुंचा। तो इस जगह मैं काम करता हूँ। जानता हूँ, यहाँ से मैं भारी चट्टाने उठाकर ले जाता हूँ। बहुत भारी होंगी वो। बहुत भारी, इसीलिए इस काम को हर रेलगाड़ी नहीं कर सकती। तुम कमाल के हो। ये तो मेरे लिए चुटकियों का काम है। छोटी ट्रेन चक चक चू चू। कोई गाना गा रहा है क्या? वो देखो, पटरी पर चक चक चू चू। वाह, इनके पास कितनी सारी माल बोगी है। मस्ती करे चक। ओ, डीजल आया हुआ है। हाय जेनी। हेलो डीजल, बड़े प्यारे मेहमान है तुम्हारे साथ। हेलो। इतनी भारी चट्टाने खींचते हुए तुम गाना कैसे गा लेती हो? डीजल ने बताया ये काम मुश्किल होता है। अगर काम करते हुए गाना गाओ तो मुश्किल नहीं लगता। वाओ, ये तो पता ही नहीं था। गाना बहुत अच्छा था, दोबारा सुना दोगी? हाँ, सुना दो प्लीज।
ठीक है, छोटी ट्रेन चक चक चू चू, चले मिलकर चक चक चू चू, पटरी पर चक चक चू चू, गाए हम चक चक चू चू, मस्ती करे चक चक चू चू, जोर से गाए चक चक चू चू। लगता है नन्ही कारों को चेन ही अच्छी लगी। मेरा मतलब था नन्ही गाड़ियाँ दूसरी रेलगाड़ियों को देख लेंगी तो उनका विचार बदल सकता है। चू चू चक चक चू चू चक चक चू चू। जेनी तुम बहुत अच्छा गाती हो। जेनी तुम्हें काम पर नहीं जाना है क्या, या बस यहीं पर खड़ी होकर गाना गाती रहोगी? सही कहा बच्चों, सॉरी लेकिन मुझे अब जाना होगा। जरूर मिलना। जरूर मिलेंगे बच्चों। जेनी बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी। अच्छा बच्चों, तैयार हो जाओ, हम दूसरी जगह चल रहे हैं। ठीक है। डीजल जरूर परेशान होगा क्योंकि नन्ही कारें सोचती हैं कि जेनी उससे बेहतर है। टिटीपो टिटीपो। इस बार डीजल नन्ही कारों को बंदरगाह ले गया। शायद यहाँ कोई और रेलगाड़ी नहीं आएगी जो इन्हें मुझसे ज्यादा अच्छी लगे। कितनी बड़ी है डीजल, वहाँ ऊपर कौन है? वो क्रेनी है। क्रेनी? वाह डीजल, तुम नन्ही कारों को लाए हो? वाओ आप कितने बड़े हो। ये यहाँ पर आई हैं ये देखने कि मैं बंदरगाह पर क्या काम करता हूँ। क्रेनी? हाय मैनी। हेलो क्रेनी। ओ डीजल, आज प्यारी प्यारी नन्ही कारों को ले जा रहे हो? हाँ, मैं इन्हें बंदरगाह दिखाने लाया हूँ। ये तो अच्छी बात है। क्रेनी, आज मैं क्या ले जाने वाला हूँ? बता दूँ, आज बहुत भारी सामान है। तो क्या हुआ, सब रख दो क्रेनी। ये तो बिल्कुल सुपर हीरो जैसे है। बहुत दमदार है। ठीक है, लोडिंग। लोड कर रहा हूँ। इतना सारा सामान, बहुत ज्यादा है। इतना ज्यादा सामान ये कुछ नहीं है मेरे लिए। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। बाय बच्चों, मिलते हैं। बाय। मैनी बहुत ताकतवर है और उसकी आवाज बहुत दमदार है। ठीक है, मैं भी इतना सामान ले जा सकता हूँ। और मेरी आवाज उससे ज्यादा भारी है, मैं सुनाता हूँ। या, 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 या। बस करो डीजल, कहीं तुम्हारा गला ना छिल जाए। ये तो बेइज्जती हो गई। अब नन्ही कारों के घर जाने का समय आ गया है। आज बहुत मजा आया ना दोस्तों? मैनी की आवाज दमदार थी, बिल्कुल सुपर हीरो जैसी। सच में काश मैं जेनी से दोबारा मिल पाती। दूसरी रेलगाड़ियों की ही तारीफ हो रही है, अब मैं क्या करूं? मैं इन्हें दिखाता हूं कि मैं कितना तेज दौड़ता हूं। ये बात मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आई? सुनो बच्चों, क्या मैं तुम्हें तेज चलकर दिखाऊं? ठीक है। तो ठीक है, लो मैं चला। कितनी तेज थी, कितनी तेजी से निकल गई थी ना? डीजल अभी कौन सी ट्रेन गई थी? वो एक्सप्रेस रेल सिंग सिंग थी। पता नहीं एक्सप्रेस ट्रेन पर बैठकर कैसा लगता होगा। लगता है बहुत मजे आते होंगे। हाँ, सही कहा। मेरा प्लान फिर फेल हो गया। डीजल नन्ही कारों को वापस गाने के पास ले गया। तुम सब ने मजे किए ना? हाँ, हमने बहुत कुछ देखा। हमने बहुत अच्छी अच्छी रेलगाड़ियाँ और एक बड़ी सी क्रेन देखी। बहुत मजा आया। शुक्रिया डीजल, नन्ही कारों का दिन बहुत अच्छा बीता। ठीक है, अब मुझे चलना चाहिए। गुड बाय। उन्होंने मेरे बारे में एक शब्द भी नहीं कहा। जरूर दूसरी रेलगाड़ियाँ उन्हें मुझसे ज्यादा पसंद आई होंगी। अगले दिन डीजल काम के बाद घर आया। हेलो डीजल। टिटीपो, कहाँ जा रहे हो तुम? ऑडिटोरियम में, वहाँ नन्ही कार आई है। नन्ही कारें? वो यहाँ क्या कर रही हैं? सुना है वो किसी खास रेल से मिलने आई हैं। सच में? क्या वो मुझसे मिलने आई हैं? और मैं सोच रहा था कि उन्हें मैं अच्छा नहीं लगा। तो चलो चलते हैं। ठीक है, वो वहाँ है। कहाँ? वो दूसरी गाड़ियों से मिलने आई हैं। मुझे समझना चाहिए था कि मेरे लिए नहीं आई हैं। चलो टीटीपो, मैं जा रहा हूँ। क्यों डीजल, रुक जाओ। देखो डीजल, डीजल, तुम बहुत
क्या मुझे? हाँ। एक मिनट रुको। ठीक है, एक दो तीन। वो, ये तो मैं हूँ। हाँ, हमने उस ट्रेन की ड्राइंग बनवाई जो हमें सबसे अच्छी लगी। अच्छी है ना? डीजल, मुझे जलन हो रही है। मुझे भी। मैंने तो सोचा था कि दूसरी रेलगाड़ियाँ तुम्हें ज्यादा अच्छी लगी। ओ, ऐसा कैसे सोचा? हम सबको तुम सबसे अच्छे लगे डीजल। हाँ, तुम्हारे साथ घूमकर बहुत मजे आए। तुम दुनिया की सबसे अच्छी रेल हो डीजल। मैं हूँ ना। तुमने सुना उन्होंने अभी अभी क्या कहा? मानते हो ना मुझसे अच्छा कोई नहीं है? बस करो। नन्ही कारों की नजर में सबसे अच्छी रेल है डीजल। बधाई हो डीजल। सिंग सिंग का राज। सिंग सिंग काम के बाद वापस शहर लौट रही है। मैं आ गई। सिंग सिंग आ गई। हेलो। ठीक समय पे आई। हम लोग गाना बस शुरू करने ही वाले थे। तो चलो मिलकर गाते हैं सिंग सिंग। गाना? मैं गाऊं? कोई मजेदार गाना गाते हैं। हाँ, कौन सा गाना गाएं? माफी चाहती हूँ दोस्तों, दरअसल मुझे आज जल्दी सोने जाना है, इसलिए मैं नहीं गा पाऊंगी। ओह, अच्छा, चलो कोई बात नहीं, अगली बार गाएंगे। बाय। गुड नाइट। तो क्या हम लोग शुरू करें दोस्तों? कितना बेसुरा गाया। सिंग सिंग, कोई बात नहीं। मुझे शर्म आ रही है। काश मैं भी अच्छा गा पाती। आज सिंग सिंग की छुट्टी है। समझ नहीं आ रहा कि आज के दिन मैं क्या करूं। सिंग सिंग, कैसी हो दोस्त? चलो घूमने चलते हैं, मजे करेंगे। अच्छा, ठीक है। बढ़िया। तो क्या साथ में गाना गाओगी? गाना? मैं गाऊं? हाँ, कल तो तुम बचकर निकल गई थी, आज नहीं बच पाओगी तुम। मुझे याद आया, मुझे आज काम पर जल्दी जाना है। माफी चाहती हूँ, मुझे जाना होगा। क्या? पर मुझे पता है कि आज तुम्हारी छुट्टी है। मेरा मतलब ऐसा तो नहीं कि तुम हमारे साथ नहीं गाना चाहती? क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। फिर क्या बात है, तुम झूठ क्यों बोल रही हो? क्या तुम हमें पसंद नहीं करती हो? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। तो फिर क्या बात है? सच कहूँ तो मैं गाना बिल्कुल भी अच्छे से नहीं गा पाती। अच्छा? कुछ दिन पहले मैं सबके साथ गाते हुए बहुत बेसुरा गाने लगी। मैं एकदम से शर्मिंदा हो गई थी। मैं समझ सकता हूँ। काश मैं भी तुम सबके जैसा अच्छा गा पाती। तो हमारे सामने गाओ। हाँ गाओ, हम तुम्हें सिखा देंगे। अभी? अगर मैंने फिर से गलत गाया तो? कोई बात नहीं, हम मदद करेंगे। तो कोशिश करती हूँ। छोड़ चले शहर और भीड़ भाड़। मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। थोड़ा ऊंचा गाने की कोशिश करो। हाँ, छोड़ चले शहर और भीड़ भाड़। मैं नहीं गा पाऊंगी। अच्छा, तो तुम्हें हम दोनों के सामने गाने में झिझक हो रही है? तो तुम तब प्रैक्टिस करो जब कोई पास ना हो। आओ, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। जब कोई पास ना हो? हाँ, तुम प्रैक्टिस करोगी तो अच्छे से सीख जाओगी। सच? ये बताने के लिए शुक्रिया, मैं आज ही प्रैक्टिस शुरू करूँगी। जरूर, बाद में मिलते हैं। गुड लक सिंग सिंग। शुक्रिया, बाय दोस्तों। लेकिन अब मैं कहाँ जाऊँ? प्रैक्टिस करने के लिए सिंग सिंग खाली ऑडिटोरियम में जा रही है। इस समय यहाँ कोई नहीं आएगा। जल्दी करो। ओ, हेलो सिंग सिंग। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो तो मैं। शायद मुझे पता है। तुम गार्डियन एक्स देखने के लिए काफी जल्दी आ गई ना? हाँ, सही कहा। मैं चाहती थी मुझे कोई अच्छी जगह मिले। क्या तुम्हें अभी गाने की आवाज नहीं सुनाई दी? तुमने गाना सुना? हाँ सुना, शायद ऐसा गाना जो मैं जानता हूँ। शायद गलती लगी होगी। क्योंकि मैंने नहीं सुना। देखो, गार्डियन एक्स का समय हो रहा है। अजीब बात है।
अरे शो शुरू हो रहा है। बाल बाल बच गई। यहाँ कोई आसपास दिखाई नहीं दे रहा। सिंग सिंग, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाय मिस्टर हर्ब, वो मैं कितनी अच्छी हो, मैं मछलियाँ पकड़ने आया था, तुम मुझे लेने आ गई। सर, हाँ सही कहा। शुक्रिया सिंग सिंग, इतना ध्यान रखने के लिए। ये मेरा फर्ज है। चलो चलते हैं। पता नहीं कब प्रैक्टिस कर पाऊंगी। सिंग सिंग प्रैक्टिस करने के लिए कोई अच्छी जगह ढूंढ रही है। ठीक है, ये जगह सही है। हेलो सिंग सिंग। हेलो मैम, ये जगह भी शायद ठीक नहीं है। यहाँ इसकी आवाज में किसी को सुनाई नहीं देगा। छोड़ चले और शहर के। क्या ये खराब हो गया? मैं यहाँ भी प्रैक्टिस नहीं कर पाऊंगी। सुनसान जगह है। अरे हो ही नहीं सकता। मैं सच कह रहा हूँ, वहाँ कोई नहीं होता, एकदम वीरान है वो। हाय दोस्तों। हेलो सिंग सिंग। हेलो। तुम दोनों किस जगह की बात कर रहे हो? अजीब जगह है, इंडस्ट्रियल एरिया में एक पुराना गोदाम है जो कि एकदम सुनसान पड़ा है। जब मैं वहाँ से निकलता हूँ तो मुझे डर लगता है। इसमें डरने वाली क्या बात है, माल गाड़ियाँ बहादुर होती हैं। कौन सी जगह है लोगो? मेरे ख्याल से वो स्टील की फैक्ट्री का पुराना गोदाम है। अच्छा, शुक्रिया लोगो, मुझे कहीं जाना है। बाय दोस्तों। बाय बाय। शुक्रिया? उसने मुझे शुक्रिया क्यों कहा? मुझे भी नहीं पता। टिटिपो टिटिपो। सिंग सिंग पुराने गोदाम की ओर चल पड़ी। वाह, वाकई बहुत सुनसान जगह है। शायद वो होगा कोई पुराना गोदाम। अंदर चलती हूँ। हाँ, यहाँ कोई भी तंग नहीं करेगा मुझे। ठीक है, शुरू करती हूँ मैं अब। अगले दिन सिंग सिंग फिक्स और लिफ्ट के पास आई। हाय फिक्स, हाय लिफ्ट। हे, हाय सिंग सिंग। हेलो, क्या तुमने प्रैक्टिस शुरू कर दी है? हाँ, मुझे एक बहुत अच्छी जगह मिली है। वाह, कौन सी जगह है? इंडस्ट्रियल एरिया में एक पुराना गोदाम है, वो इस्तेमाल में नहीं है इसलिए खाली है। अच्छी जगह है। जब अच्छा गाने लगो तो तुम्हें हमारे साथ गाना होगा, ठीक है? वादा? वादा रहा। चलती हूँ, मैं प्रैक्टिस करने जा रही हूँ। अच्छे से करना। कभी आया पुल और कभी पहाड़, फिर आया जंगल, जंगल छोटी चिड़िया बोली ची 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 ची। मैंने एक भी गलती नहीं की। ये काम के बाद डीजल इंडस्ट्रियल एरिया से गुजर रहा है। ओह, यही वो जगह है जो लोगों ने बताई थी, पर ये डरावनी तो बिल्कुल भी नहीं है। ओह, ये आवाज कैसी है? या तो कोई नहीं है, यहाँ कोई भूत नहीं। शायद कोई आवाज सुनाई दी है अभी, मेरा वहम होगा। सुनो दोस्तों, मुझे बचाओ। क्या हो गया? बताओ क्या बात है। इंडस्ट्रियल एरिया में एक भूत है और मैंने उस भूत की आवाज सुनी है। भूत? जरूर तुम्हें गलती हुई होगी। नहीं ऐसा नहीं है, वो गा रहा था। वो डरावना था। सच में? वो आवाज कहाँ से आ रही थी? मेरे ख्याल से स्टील के पुराने गोदाम से आ रही थी। स्टील के पुराने गोदाम से? अरे नहीं, सिंग सिंग इस समय उस गोदाम में ही है। क्या, अगर सिंग सिंग को भूत ने पकड़ लिया तो क्या होगा? हमें जल्दी ही कुछ करना होगा। चलो सिंग सिंग को बचाते हैं। हाँ चलते हैं। हाँ, छोटी रेलगाड़ियाँ सिंग सिंग को ढूंढने के लिए गोदाम जा रही हैं। सिंग सिंग, सिंग सिंग कहाँ हो तुम? जवाब दो। अगर उसका अपहरण हो गया होगा तो? नहीं ऐसा नहीं होगा, वो पक्का ठीक होगी। ये भूत की आवाज लगती है। मुझे डर लग रहा है। रुक जाओ दोस्तों, शायद आवाज यहाँ से आ रही है। ये तो कोई गा रहा है।
ये पक्का वही भूत आ रहा है। मतलब उसने सिंह सिंह पर कब्जा कर लिया है। चलो उसे बचाते हैं। ठीक है दोस्तों, तीन तक गिनने के बाद एक साथ अंदर जाएंगे हम। समझ गए। एक दो, दो तीन। सिंह सिंह, तुम ठीक हो ना? कहाँ चला गया वो भूत? कौन सा भूत? हाँ, हमने अभी अभी भूत की डरावनी आवाज सुनी थी। कोई भूत डरावना गाना गा रहा था। गाना गा रहा था? गाना तो मैं गा रही थी। तुम? इसका मतलब कोई भी भूत नहीं है। हमें लगा यहाँ कोई भूत है, इसलिए हम सब तुम्हें बचाने के लिए आए थे। सच में तुम्हें डर लग रहा था तब भी तुम सब यहाँ आए? हाँ, इसका मतलब तुमने मुझे गाते हुए सुना है ना? हमें लगा भूत गा रहा है। क्या? लेकिन तुम इस पुराने गोदाम में क्यों गा रही हो? क्योंकि मैं बहुत बेसुरा गाती हूँ और मैं तुम्हारे सामने गा ही नहीं पाती थी, इसलिए मैं यहाँ अकेले प्रैक्टिस कर रही थी। अच्छा, लेकिन अभी तो हमने तुम्हें बहुत अच्छा गाते सुना। अच्छा गाते हुए? पर उतना नहीं जितना मैं गाता हूँ। अगर मुझसे पूछो तो तुम बहुत अच्छा गाती हो सिंह सिंह। सच में? शुक्रिया दोस्तों। इसका मतलब सबको तुम्हारा गाना बहुत ज्यादा पसंद है। अगर ऐसा है तो सिंह सिंह चलो तुम्हारा गाना सुनते हैं। अगर तुम कहते हो तो। कभी आया पुल और कभी पहाड़, कभी आया पुल और कभी पहाड़, फिर आया जंगल, जंगल, छोटी चिड़िया बोली एक बार फिर से। ऐसा लगता है अब सिंह सिंह में अपने दोस्तों के सामने गाने का आत्मविश्वास आ गया है। मिस्टर हब की पपी से दोस्ती। जिनी स्टेशन पर यात्रियों को उतारने जा रही है। हम स्टेशन पहुंच गए। शुक्रिया। थैंक यू जिनी, मेरा फर्ज था। गुडबाय। आपका दिन अच्छा हो। मेरा काम हो गया, अब घर चलती हूँ। तुम यहाँ कोनी? हेलो कोनी। जिनी, हाय। गुड आफ्टरनून। वाह, कितना प्यारा है। तुम कौन हो? ये प्यारा सा पपी कोंगी का बच्चा है। वाह, इसलिए शक्ल भी मिलती है। मिलती है ना? मैं चाहती हूँ कोई ऐसा मिल जाए जो इस पपी का ध्यान रखे। जो भी इस पपी को पालेगा किस्मत वाला होगा। तो इस पपी को तुम ही क्यों नहीं पाल लेती जीनी? मैं इसे पालूं? हाँ, तुमने कोंगी का बहुत ध्यान रखा था, इसलिए मुझे लगता है तुम इसे संभाल लोगी। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। चलो हम दोस्ती कर ले। पपी को लेकर जीनी चूचू टाउन में आ गई। मिस्टर हब, मिस्टर हब। ओहो, आज तो तुम बहुत खुश नजर आ रही हो जीनी। जी हाँ, क्योंकि मेरे पास दुनिया का सबसे प्यारा पपी है। चलो अच्छा है। मिस्टर हब, क्या हम यहाँ इस पपी को रख सकते हैं? क्या कहा, पपी को यहाँ रखना है? यहाँ एक डॉग को रखना तो बहुत मुश्किल होगा। लेकिन क्यों? क्योंकि यहाँ ऐसा करना मना है। मना है? अब मैं क्या करूँ? बात पूरी हो गई हो तो तुम जाकर आराम कर लो। ठीक है, बाय बाय मिस्टर हब। बाय बाय। वाओ, कितना प्यारा पपी है। मुझे पता है, मैं इसका अच्छे से ध्यान रख सकती हूँ, लेकिन मिस्टर हब क्यों नहीं मान रहे? याद आया, शायद मैंने स्टीम से सुना था कि मिस्टर हब को डॉगी से डर लगता है। सच में? मुझे बहुत दुख है, लेकिन तुम्हें ये पपी वापस करना पड़ेगा। सच कह रहे हो? मैं अपने प्यारे पपी को वापस कैसे करूं? मैं इसे सबसे छुपा कर पालूंगी। क्या तुम मेरे साथ घर चलोगे पपी? शायद ही काम कर जाए। अगला दिन शुरू हो चुका है और जीनी अपने काम पर जाने वाली है। मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी, यही इंतजार करना। शैतानी मत करना।
ओह, लंच का टाइम हो गया। खाना खा लेता हूँ। ये आवाज कैसी है? भाग जा, भाग जा। केला चाहिए? ये लो। जी, चेक करने के लिए शुक्रिया। किसी ने अभी तक गुम हुए पपी के बारे में पूछताछ भी नहीं की। चलो, अच्छा है अपने घर गया। अगले दिन की शुरुआत। टहलने के लिए ये मौसम बहुत ही अच्छा है। भाग जाओ यहाँ से। बार बार क्यों आ जाते हो? तुम्हें फिर से भूख लगी है? खाना बाहर मिल जाएगा तो अंदर नहीं आएगा। तुम यहाँ बैठकर खाना चाहते हो? शैतान पपी, इसी जगह पसंद आ गई है। धीरे धीरे मिस्टर हर्ब का डर दूर होने लगा। बारिश बहुत तेज हो रही है। प्यारे पपी, तुम तो भीग गए। टिटी पो। मैंने तौलिया कहां पर रख दिया? मिल गया। तो तुम्हें ठंड लग रही है? अच्छा, लो पहुंच दिया। अच्छा ठीक है, ये लो। ये क्या कर रहे हो? नीचे उतरो। लगता है इसका कोई मालिक नहीं है, इसे यहीं रख लेता हूँ। मुझे याद आया, जीनी, यहाँ पर एक डॉग को रखना बहुत मुश्किल होगा। परेशानी यह है कि मैं तो खुद जीनी को मना कर रहा था। ओ जीनी, तुम आ गई, तुम्हारा काम खत्म हो गया? जी हाँ। ये तो किसी पपी की आवाज लगती है, क्या हो रहा है? जीनी ने आवाज तो नहीं सुनी होगी। अब मैं जा रही हूँ मिस्टर हर्ब। जल्दी जाओ और थोड़ा आराम कर लो। कहीं पपी बाहर तो नहीं आ गया? अच्छा, मैं आ रहा हूँ। बहुत शैतान हो तुम, जाना चाहते हो? बाय बाय। ये हर रोज कहाँ जाता है? आ गए तुम, मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी। कल मेरी छुट्टी है तो हम पूरा दिन खेलेंगे। अगले दिन की शुरुआत। और मिस्टर हर्ब परेशान है क्योंकि हर रोज आने वाला पपी आज नहीं आया। आज वो आया क्यों नहीं? कहीं उसके साथ कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई? तुम फिर से खेलना चाहते हो? जीनी, जीनी। जी मिस्टर हर्ब। क्या तुम मुझे चूचू टाउन का एक चक्कर लगवा सकती हो?
मुझे कुछ ढूंढना है। ओ, जरूर मदद करके अच्छा लगेगा। धन्यवाद। कोई बात नहीं, मैं अभी नियंत्रण कक्ष की तरफ जा रही हूँ। अभी आती हूँ, यहीं पर इंतजार करना। मिस्टर हब। ओ जीनी, बड़ी जल्दी आ गई। जी तो बताइए आपको क्या ढूंढना है। ओ, कुछ ऐसा है जो मेरे लिए कीमती है। ठीक है। जीनी की मदद से मिस्टर हर्ब चूचू टाउन के कोने कोने में तलाश करने लगे। यहाँ पर भी नहीं है। अरे हाँ, हमने तुम्हारा कमरा तो देखा ही नहीं। क्या, मेरा कमरा? जल्दी चलो, क्या तुम मुझे अपने कमरे में ले चलोगी? ठीक है। अरे नहीं, क्या यहाँ भी नहीं है? नहीं, लगता है यहाँ भी नहीं है। तो फिर कहीं और देखना चाहिए। ठीक है। फंस गई मैं। शैतान पपी, तुम यहाँ हो मेरे प्यारे बच्चे। अजीब बात है, आपको डॉगी से डर नहीं लगता मिस्टर हब? असल में जिसे मैं ढूंढ रहा था वो ये छोटा पपी है। क्या? इसका कोई मालिक नहीं है, ये हर रोज मेरे पास आ रहा था और हमारी दोस्ती हो गई। मिस्टर हब, मुझे आपको एक बात बतानी है। तो मैंने तब से जीनी ने मिस्टर हब को सारा सच बता दिया। ओह, ये बात है। मुझे माफ कर दीजिए। देखो जीनी, कैसा रहेगा अगर हम मिलकर इस पपी की चूचू टाउन में देखभाल करें? सच में मिस्टर हब? वाह, मजा आएगा। ये बताओ इसका नाम क्या रखें? चीची कैसा रहेगा? चीची? अब ये हमारे शहर में रहेगा तो मिलता जुलता नाम रखना चाहिए, चूचू से चीची। चूचू टाउन का चीची बहुत प्यारा नाम है। तुम्हारा काम खत्म हो गया? जी बिल्कुल। अच्छी खबर सुनो, हमने तय किया है कि ये पपी चूचू टाउन में रहेगा। इसका नाम है चीची। वाह, बहुत बढ़िया। चीची नाम भी बहुत प्यारा है। अब से हम सब अच्छे दोस्त हैं चीची। हाँ, अच्छे और पक्के दोस्त। अब चूचू शहर में एक नया दोस्त आ गया है। तुम्हारा स्वागत है चीची। मिस्टर हब के लिए मुश्किल भरा दिन। एक खूबसूरत सुबह की शुरुआत। आज देखते हैं मिस्टर हब क्या काम करते हैं। लोगों की शिफ्ट शुरू होने वाली है। ठीक समय पर आए लोगो। हाय मिस्टर हब, गुड मॉर्निंग। आज का तुम्हारा दिन अच्छा बीते लोगो। शुक्रिया, लौट कर आपसे मिलता हूँ। बाय। ये तो बंदरगाह जा रहा है। ओह, गलत डिब्बे। लोगो, तुम गलत डिब्बे ले जा रहे हो। लोगो, मेरी आवाज नहीं सुन पाया। कहीं ज्यादा दूर ना निकल जाए। ओह, अरे नहीं, मेरी चाय। ये क्या हो गया? अरे, मेरी केतली भी गई। अब क्या करूं? पहले मुझे लोगों से बात करनी चाहिए। लोको, लोको, ला 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 ला। लो, लो। ओ, ऐसा लगा मैंने कोई आवाज सुनी अभी। कान बज रहे होंगे। लोको, लोको, ये क्या? शायद मेरा माइक खराब हो गया। हेलो मिस्टर हब। कौन आया है? टीटीपो, क्या बात है? क्योंकि आज हमारी छुट्टी है, डीजल जीनी और मैं बाहर घूमने जा रहे हैं। घूमने? ओह ठीक है, जाओ मौज करो। मुझे जाना होगा। बाय। ओ मिस्टर हब, आज अजीब हरकतें कर रहे हैं। जल्दी चलूं। ओ मिस्टर हब, क्या आप ठीक हैं? कंट्रोल सेंटर का रेडियो खराब हो गया है, इसलिए मैं बहुत परेशान हूँ। क्या रेडियो?
इसका मतलब आप बाहर काम करने वाली रेल से बात नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल ठीक, मैं लोगों को बताना चाहता था कि वो गलत डिब्बे ले जा रहा है लेकिन बता नहीं पाया। ओ, क्यों ना मैं लोगों को माल बूगी पहुँचा दूँ। लेकिन तुम तो घूमने जा रहे हो ना? मैं कभी और चला जाऊंगा, आज यहीं रुककर आपकी मदद करूंगा। ठीक है, थैंक यू टीटीपो। जी। डीजल और जीनी को बता दूं, मैं उनके साथ नहीं जा सकता। रेडियो सिस्टम खराब हो गया है? हाँ। क्या सच में? बहुत बुरा हुआ। मैंने सोचा है आज मैं मिस्टर हर्ब की मदद करूंगा। तुम दोनों मेरे बिना चले जाओ। ठीक है। तो ठीक है फिर। ठीक है, बाद में मिलते हैं। ठीक है। जी सर, तुम भी मिस्टर हर्ब की मदद करना चाहते हो? ठीक है, चलो चलते हैं फिर। मिस्टर हर्ब। बोलो, क्या बात है? टीचीपो ने बताया क्या हुआ? हमने सुना आपका रेडियो खराब हो गया। ठीक सुना, टीओ कुछ पार्ट्स लेने गया है इसलिए ठीक होने में समय लगेगा, बड़ी मुश्किल है। क्या हम भी आपकी मदद कर सकते हैं? अभी अभी मुझे खबर मिली है कि सिंह सिंह चौराहे के बीच में खराब हो गई है। वो चल नहीं पा रही। मुसीबत ये है कि फिक्स और लिफ्ट कहीं और हैं और सिंह सिंह की मदद के लिए नहीं पहुंच सकते, इसलिए परेशान हूँ। चिंता छोड़िए, मैं सिंह सिंह को खींचकर प्रोडक्शन प्लांट ले जाऊंगी। तुम ये कर दोगी? जरूर, मैं जल्दी वापस आती हूँ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मिस्टर हर्ब, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, मैं भी मदद करना चाहता हूँ। हाँ, यहीं इंतजार करो डीजल। ठीक है। डीजल। जी। मैनी और बर्नी बंदरगाह में हैं। क्या तुम उन्हें कुछ माल बोगी पहुँचा दोगे? जरूर, समझिए काम हो गया आपका। जैसे ही लोको काम पर पहुंचा, उसे पता चला कि वो गलत माल बोगी ले आया है। लोको, हम इन बोगियों में सामान नहीं रख सकते। हाँ, आप मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए प्लीज, मैं अभी मिस्टर हर्ब से बात करता हूँ। ठीक है। मिस्टर हर्ब, सुनिए मिस्टर हर्ब, मिस्टर हर्ब, वो जवाब क्यों नहीं दे रहे अब? लोको! ओ? लोको! टीटीपो! मैं तुम्हारे लिए ठीक माल बोगी ले आया। हाँ? सच में? और शुक्रिया। तुम्हें किसने बताया कि मुझे ये चाहिए? मुझे मिस्टर हर्ब ने बताया। उन्होंने बताया? मैंने उन्हें फोन किया, वो जवाब क्यों नहीं दे रहे? कंट्रोल सेंटर का रेडियो खराब हो गया, इसलिए मैं उनकी मदद कर रहा हूँ। उनकी मदद? जब मेरा काम पूरा हो जाएगा तो मैं भी उनकी मदद करूँगा। हाँ, ये अच्छा रहेगा। टीटीपो, टीटीपो। मैं तो आज बहुत देरी से पहुंचूंगा। सिंह सिंह। ओह, हाय जीनी। एक मिनट रुको, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। ओह, शुक्रिया। सिंह सिंह को अपने साथ जोड़कर जीनी उसे ठीक कराने ले जा रही है। सच में? हाँ, रेडियो खराब है, मिस्टर हर्ब फिक्स से बात नहीं कर पा रहे थे तो मैं आ गई। ओह, तो मैं भी मदद करूंगी। चेकअप के बाद मैं सीधा मिस्टर हर्ब के पास जाऊंगी। अच्छी बात है। डीजल मैनी और बर्नी के लिए माल बोगियां लेकर बंदरगाह पहुंच गया है। ग्रेनी। ओह, हे डीजल। तुमने मैनी और बर्नी को देखा है क्या? शायद मैंने उन्हें शहर वापस जाते देखा है। शहर चले गए, हमने एक दूसरे को देखा नहीं होगा। बहुत बुरा हुआ, चूचू शहर में सारी गड़बड़ मेरी वजह से हुई है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं सब ठीक कर दूंगा। मैनी और बर्नी का सामान डीजल लेकर जा रहा है। मिस्टर हर्ब। ओ टियो, देरी के लिए माफी। कोई बात नहीं। लगता है इसे ठीक करने में थोड़ा वक्त लगेगा, कोई दिक्कत तो नहीं? अब तक तो सब ठीक ही चल रहा है, छोटी रेलगाड़ियां मदद कर रही हैं। ये तो अच्छा है। ओह, पटरी पर चट्टानें गिर गई हैं और एरिक इसी रूट पर गया है। अगर उसे जल्दी नहीं बता पाया तो हादसा हो सकता है। हादसा?
इसे टाल नहीं सकते, मुझे खुद जाकर उसे बताना होगा। टियो तुम माइक ठीक करो, मैं आता हूँ। ठीक है, मैं ठीक कर दूंगा। मैं तुम्हारा स्कूटर ले जाऊं। मेरा स्कूटर? थैंक्स। एरिक को हादसे से बचाने के लिए मिस्टर हर्ब तेजी से जा रहे हैं। थोड़ा सा और आगे जाना है। एरिक, एरिक, हाँ? ये स्कूटर की रफ्तार क्यों कम हो गई? ये क्या, पेट्रोल खत्म हो गया क्या? रुको, एरिक, इस रूट पर खतरा है। एरिक, आ कितना अच्छा मौसम है। एरिक, मिस्टर हर्ब, क्या कोई दिक्कत है? एरिक के रास्ते पर चट्टाने गिरी हुई हैं, मुझे उसे रोकना है। क्या तुम मुझे ले चलोगे? क्यों नहीं, जल्दी बैठिए आप। एरिक, 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 लगता है इतनी दूर से एरिक तक आवाज नहीं पहुंच रही। और हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा जल्दी चलो। कोशिश करती हूँ उसके नजदीक पहुँचने की। एरिक, मैं क्या करूँ? स्टेशन आ गया। एरिक, माफ करना। एरिक, जरा हटिए। अब अगले स्टेशन की तरफ चल रहे हैं हम। रुको, रुक जाओ एरिक। मिस्टर हर्ब, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं तुम्हें कुछ बताने आया हूँ। अगले स्टेशन के रास्ते में पटरी पर कुछ बड़ी बड़ी चट्टानें गिर गई हैं, इसलिए तुम्हें दूसरे रास्ते से जाना होगा। बताने के लिए शुक्रिया, लेकिन मिस्टर हर्ब, आप इतनी दूर क्यों आए? आप ये तो मुझे रेडियो पर भी बता सकते थे। ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा एरिक, यात्री तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तुम्हें अब जाना चाहिए। ठीक है, शहर आकर मिलूंगा। ठीक है, शुक्र है। मिस्टर हर्ब के छोटे साथी वापस शहर आ रहे हैं। जीनी, डीजल, टिटिपो, बाहर जाकर खूब मस्ती की तुमने? हमने सोचा कि हम भी नहीं जाएंगे, यहीं रुककर मिस्टर हर्ब की मदद की। अच्छा किया। मुझे पता नहीं था मिस्टर हर्ब के पास इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं। मुझे भी नहीं पता था। हैरानी की बात है कि वो इतने सारे काम हर रोज अकेले करते हैं। सही कहा। टिटिपो, जीनी, डीजल। ओह, मिस्टर हर्ब, क्या रेडियो ठीक हो गया? ठीक हो गया। ये तो बहुत अच्छा हुआ। सुनो, तुम सबका शुक्रिया, तुम्हारी वजह से मैं अपना काम कर पाया। तुम सब ने आज मेरी बड़ी मदद की। मैंने हमेशा तुम्हें छोटा बच्चा समझा, लेकिन आज नहीं। हमने कमाल का काम किया। जब भी आपको मदद चाहिए हो हमें बता दीजिए मिस्टर हर्ब, आप विश्वास कर सकते हैं, हमेशा हाजिर रहेंगे आपके तीन शैतान। ठीक है। छोटी रेलगाड़ियाँ पूरा दिन मिस्टर हर्ब की मदद करने में लगी रही। तुम सबने बहुत अच्छा किया, शाबाश। मैं टीवी पर दिखना चाहता हूँ। चूचू टाउन में एक नई सुबह। हेलो मिस्टर हर्ब। ओ टिटिपो, आज काम पूरा करके सीधा घर ही आना। क्यों? टीवी वाले सभी ट्रेन्स का इंटरव्यू करने के लिए आ रहे हैं, उसके बाद वो एक सबसे अच्छी ट्रेन चुनेंगे। वाह, इसका मतलब ये हुआ कि मैं टीवी पर आऊंगा? हाँ बिल्कुल, दूसरी रेल भी जल्दी घर आ रही है, इसलिए लेट मत होना। नहीं होऊंगा, अब मैं काम पर चलता हूँ। टीवी पर देखने की बात सुनकर टिटिपो बहुत उत्साहित है। मिलिए दुनिया की बेहतरीन रेल टिटिपो से। सबको मेरा हेलो। सबका दोस्त, सुरक्षित और समय पर पहुंचाने वाला सबसे मेहनती टिटिपो, सबसे अच्छी ट्रेन का इनाम इसे ही मिलना चाहिए।
सभी को गुड मॉर्निंग। हेलो। टीवी पर आने के बाद मैं स्टार बन जाऊंगा। सभी को हेलो। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, सब मुझे चाहते हैं। टीटीपो, हाँ, तुम अब तक जा क्यों नहीं रहे हो? माफी चाहता हूँ। काम के समय सपने मत देखा करो, अपने काम पर पूरा ध्यान दो। जी सर। लगता है टीवी के लोग पहुँच चुके हैं। तैयार, स्टार्ट। आपका स्वागत है, आज हम मौजूद हैं चूचू शहर में और मेरे साथ है चूचू शहर के ट्रेन मास्टर। ट्रेन के बारे में बताइए सर। आप सभी को हेलो। बहुत सी रेलों में चूचू शहर, मेरा मतलब है चूचू शहर में बहुत सारी रेल रहती हैं। मिस्टर हर्ब, क्या? आराम से बोलिए, घबराइए मत। अच्छा ठीक है। अब हम इस शहर की दो रेलगाड़ियों के घर में हैं। दिन भर हम रेलगाड़ियों से बातें करेंगे। सबसे पहले हम इन दो रेलगाड़ियों से मिलेंगे। हेलो, क्या आप अपने काम के बारे में बताएंगे? जी हाँ जरूर, क्यों नहीं। मेरी तरफ मत देखिए, उधर देखिए, कैमरा उधर है। सभी को हेलो, हम दोनों यहाँ की सर्विस रेल हैं। हम मुसीबत में ट्रेन्स की मदद करते हैं। वाह क्या बात है, अरे आपने अपना नाम ही नहीं बताया। मैं हूँ सर्विस रेल फिक्स। और मैं हूँ उसका साथी बेहतरीन लेव। बुया, बुया। क्या आप सुनना चाहेंगे हमारा रैप? हमारा एक खास रैप है जिसे हम काम पर जाते वक्त गाते हैं। चलिए सुनाइए। फिक्स फिक्स, मेरा नाम है फिक्स। एक मिनट जी। खदान में एक दुर्घटना हो गई है, वहाँ तुम्हारी जरूरत है। सुनो लिफ्ट, हमें जल्दी चलना है। ठीक है। क्या आपको अभी जाना होगा? हाँ, हम आपको रैप अगली बार सुनाएंगे। हम माफी चाहते हैं आपसे। कोई बात नहीं, चलो चले। हम स्टेशन पहुंच गए। मेरा काम खत्म हो गया, अब जल्दी से शहर चलता हूँ। आओ बेटा, ये रेल डरावनी है। नानी माँ के पास जाना है तो इसमें बैठना पड़ेगा। ओह, ये क्या मुसीबत है अब? मुझे बहुत डर लग रहा है। कोशिश करता हूँ उनकी मदद करने की। वापस जाओ टीटीपो। अगर जल्दी नहीं पहुँचे तो टीवी पर आने का मौका गवा दोगे। बात तो तुम्हारी ठीक है, मुझे वापस चलना चाहिए। रुक जाओ। एक अच्छी रेल जरूरतमंद यात्रियों को छोड़कर नहीं जाती। तुम्हें वहाँ जाकर छोटे बच्चे की मदद करनी चाहिए। बेकार की बातें मत सोचो, सोच समझ कर फैसला लो। तुम बन सकते हो सुपरस्टार। बच्चे को भूल जाओ और वापस शहर चले जाओ। मतलब ही मत बनो, सही तो यही होगा कि तुम बच्चे की मदद करो। इसकी बात मत सुनो, सुनोगे तो टीवी पर नहीं आ पाओगे। बस बहुत हुआ, मैं जरूरतमंद यात्री को नहीं छोड़ सकता। टीटीपो टीटीपो टीटीलीटी टीटीपो, मस्ती में चलती रहे छोटी रेल टीटीपो। टीटीपो टीटीपो टीटीलीटी टीटीपो, पटरी पे चलती रहे टीटीलीटी टीटीलीटी टीटीपो। होई होई। मॉम, इस ट्रेन को देखिए, कितनी फनी हो तुम। बिल्कुल हूँ, मैं डरावना भी नहीं हूँ ना। अब तो ट्रेन में जाओगी ना तुम? हाँ मॉम। मदद के लिए शुक्रिया छोटी ट्रेन। ये मेरा फर्ज है। टीटीपो टीटीपो। जीनी वापस चूचू शहर आ गई। मैं काम करके आ गई। क्या हम बात कर सकते हैं? बात? क्या हम आपका छोटा सा इंटरव्यू ले सकते हैं? जरूर। मैं लिए छोटी रेल से जो अभी अभी काम से लौटी है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ जीनी, एक पैसेंजर ट्रेन। तुम अभी काम से लौटी हो और फिर भी इतनी साफ और चमकती हुई? क्योंकि मैं यात्रियों को लाती ले जाती हूँ, मुझे साफ रहना ही चाहिए। जीनी। जी सर। एक मेहनती मालगाड़ी अभी अभी काम से लौटी है। आपसे मिलकर अच्छा लगा, पर ये कैमरा क्यों लगा रखा है? हाँ, डीजल, ओ? ये हमारी फिल्म बना रहे हैं। क्या, हमारी फिल्म बना रहे हैं? ओह, आज मैंने खदान में काम किया इसलिए मैं बहुत गंदा हूँ। इससे साबित होता है कि तुम मेहनती हो, बहुत ही अच्छे लग रहे हो।
मैं अच्छा लग रहा हूँ? मुझे मालूम था आप भी यही बोलेंगी। अच्छे लग रहे हो। बाय टीटीपो। बाय बाय। तुम्हारा शुक्रिया टीटीपो। मदद करके अच्छा लगा। टीटीपो जी, कहिए मिस्टर हब। तुम हो कहाँ? मैं अभी स्टेशन पर हूँ, अब शहर आ रहा हूँ। चलो अच्छा हुआ। तुम्हारे पास एक रेल खराब हो गई है, वहाँ जाकर तुम उसकी मदद कर दोगे प्लीज? तो फिर क्या होगा इंटरव्यू का? सबसे पास तुम ही हो, इसीलिए माफी चाहता हूँ। ठीक है। रेल तुम्हारा इंतजार कर रही है। ठीक है, अगर मैं टीवी वालों से मिलकर बातें कर पाता तो कितना मजा आता। लेकिन साथ ही रेल की मदद करना ज्यादा जरूरी है, तो ठीक है मैं चलता हूँ। और इंटरव्यू लेने की जरूरत है? नहीं, मेरे ख्याल से हमने आज काफी इंटरव्यू कर लिए हैं। तो क्यों ना हम दूसरी रेलगाड़ियों से भी बात कर लें? तो फिर चलो। ये ट्रेन चलनी कब शुरू होगी? मैं माफी चाहता हूँ। मदद के लिए मैं आ गया। ओह कितना अच्छा हुआ तुम आ गए, पता नहीं क्यों लेकिन मैं चल नहीं पा रहा। कोई बात नहीं, चिंता मत करो, तुम्हारे सभी यात्रियों को मैं ले जाऊंगा। शुक्रिया टीटीपो। फिक्स और लिफ्ट यहाँ पहुँचने ही वाले होंगे, चिंता की कोई बात नहीं। आपका स्वागत है, अब ये रेल जाएगी। अब हम चल रहे हैं। रुको, मैं आ रहा हूँ, प्लीज मेरे लिए रुको। लेकिन मुझे जल्दी वापस जाना है। देखो तुम चले मत जाना। अभी नहीं चलूँगा, अगर अभी चल पड़ा तो दादाजी घर नहीं पहुँच पाएंगे। ध्यान से सुनिए, हम यहाँ से तब चलेंगे जब ये वृद्ध व्यक्ति चढ़ जाएंगे। धन्यवाद। अब हम चल रहे हैं। आखिरकार काम पूरा करके टीटीपो वापस शहर पहुंच गया। अरे दोस्तों, कहाँ है टीवी वाले? वो तो चले गए, अब तो शो शुरू होने वाला है, मजा आएगा। हम सब एक साथ देखेंगे, जल्दी आ जाओ, इंतजार नहीं हो रहा। अफसोस, मैं उसमें नहीं होऊंगा। अरे बाप रे, टीटीपो दुखी है कि वो इंटरव्यू नहीं दे पाया। ये कब शुरू होगी? बस थोड़ी ही देर में। हाय दोस्तों, स्वागत है तुम्हारा। हेलो। हाँ ये शुरू हो गया। ट्रेन के बारे में बताइए सर। मिस्टर हब बोल रहे हैं। वाह। कैसे बोल रहे हैं मिस्टर हब? वो थोड़ी घबराए हुए लग रहे हैं। अब हम सबके इंटरव्यूज आएंगे। आप सभी को हेलो, मेरा नाम है सिंह सिंह, मैं यात्रियों को जल्दी और सुरक्षित यात्रा कराती हूँ। वाह क्या बात है। चूचू शहर की सबसे तेज रफ्तार वाली ट्रेन है, ये है जुड़वा मालगाड़ी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मैनी। और मेरा नाम है बर्नी। वाह बढ़िया। आगे मिलते हैं एक छोटी रेल से जो अभी अभी लौटी है। छोटी रेलगाड़ियाँ अपने आप को टीवी पर देख कर बहुत खुश थी। अच्छा लग रहा था ना? तुम बहुत अच्छे लग रहे थे। सिर्फ मैं टीवी पर नहीं आया। देखो टीटीपो। एक रेल में तकनीकी गड़बड़ी की वजह से बहुत से यात्री स्टेशन पर ही फंस गए हैं, लेकिन एक छोटी रेल पहुंच गई है उनकी परेशानी दूर करने के लिए। आपका स्वागत है। बहुत शुक्रिया। हम तब चलेंगे जब ये चढ़ जाएंगे। टीटीपो तुमने बहुत अच्छा काम किया। इस रेल की वजह से सबसे अच्छी रेल तुम ही हो टीटीपो। शुक्रिया दोस्तों। चलिए देखते हैं यात्रियों का क्या कहना है। तुमने मेरा इंतजार किया इसलिए मैं सुरक्षित घर पहुंच पाया, धन्यवाद टीटीपो। टीटीपो ने मेरे लिए गाना गाया। टीटीपो टीटीपो टीटीली टीटीपो। ओह ये तो वो बच्चा और दादाजी हैं जिनकी मैंने मदद की थी। तो ये रेलगाड़ियाँ इसी तरह हर रोज मेहनत करती हैं ताकि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी आसान हो, इसलिए इन सब का शुक्रिया। उम्मीद है कार्यक्रम पसंद आया होगा, आप सबका शुक्रिया। तुम कमाल के हो टीटीपो। हाँ मैं तो तुम्हें ही देखती रह गई। तुम सबसे अच्छे हो टीटीपो। सच कहा, ये बिल्कुल मेरे जैसा है। शुक्रिया दोस्तों।
टीटीपो शो में आ ही गया। बहुत बहुत मुबारक हो टीटीपो। मैं बहुत खुश हूँ मैं टीवी पर आया। बाय बाय टीटीपो। सुबह हो चुकी है और जीनी हमेशा की तरह काम पर जा रही है। मैं पहले कभी इतनी दूर नहीं गया। मैं बहुत बहुत खुश हूँ। इस सफर के लिए तुम्हें अच्छी तैयारी करनी होगी। हेलो, गुड मॉर्निंग। ओ हेलो जीनी। टीटीपो कहीं जा रहे हो? हाँ, मैं दूर के शहर में जा रहा हूँ। क्या? मुझे जाने के लिए तैयारी करनी है। तुमसे बाद में मिलता हूँ। मिस्टर हब, क्या वो सच में दूर जा रहा है? हाँ जा रहा है। जीनी, तुम्हें अब काम पर जाना चाहिए। ठीक है, बाय मिस्टर। ये ऐसे क्यों कर रही थी? जीनी, हाय, कैसी हो? क्या तुम्हारा काम खत्म हो गया? हाँ। तुम उदास क्यों लग रही हो? कुछ हुआ है क्या? उदास हूँ क्योंकि टीटीपो हमें छोड़कर जा रहा है। क्या? टीटीपो जा रहा है? हाँ। ऐसा नहीं हो सकता। मैं खुद जाकर उससे पूछता हूँ। टीटीपो, टीटीपो, डीजल, क्या हुआ? क्या तुम जल्दी कहीं जाने वाले हो? हाँ, कुछ दिनों बाद जा रहा हूँ, लेकिन मैं अभी जाना चाहता हूँ। क्या? तुम जल्दी जाना चाहते हो? हाँ, मुझे नई रेल से मिलने का मौका मिलेगा, बहुत मजा आएगा। तो इसका मतलब ये कि जीनी ठीक ही कह रही थी। चलो मैं चलता हूँ, गुड नाइट। ठीक है, गुड नाइट डीजल। अगला दिन शुरू हो चुका है। जीनी और डीजल ने सबको ये बात बताई। जा रहा है? हाँ, एक ऐसे शहर जो बहुत दूर है। तो हम उससे मिल नहीं पाएंगे? क्या उससे कह नहीं सकते कि ना जाए? नहीं, कोई फायदा नहीं होगा। टीटीपो खुश है कि वो जा रहा है। ओ टीटीपो। इस तरह उदास होने की जरूरत नहीं। टीटीपो हमारा हमेशा अच्छा दोस्त रहेगा। मुझे पता है, क्यों ना जाने से पहले हम टीटीपो को एक गिफ्ट दें? गिफ्ट दें? छोटी रेलगाड़ियां सोच रही हैं कि टीटीपो को क्या गिफ्ट दिया जाए। जीनी। हेलो टीटीपो, तुम काम पर जा रहे हो ना? हाँ। आज मेरा बहुत मन कर रहा है काम करने का। मैं तुम्हारी जगह चली जाऊँ? क्या, लेकिन आज तो तुम्हारी छुट्टी है। मैं जानती हूँ, लेकिन बहुत बहुत मन कर रहा है काम करने का। जाने दो प्लीज। ठीक है, जाओ। ठीक है, बाद में मिलते हैं। हाँ, तुम्हारा दिन अच्छा बीते जीनी। अजीब बात है टीटीपो। हेलो डीजल। टीटीपो, मैं तुम्हें कहीं ले जाना चाहता हूँ। कहाँ? मेरे पीछे आओ, पता चल जाएगा। ठीक है डीजल, एक मिनट रुको। हम यहाँ डीपो में क्यों आए हैं? अभी पता चल जाएगा। हाय दोस्तों, तुम्हारा इंतजार कर रहा था। सेटर, सब तैयार है ना? तैयार है बिल्कुल। ये देखो यहाँ पर, ये तो माल बुगी है। याद करो, एक दिन तुमने मुझे कहा था कि माल बोगी ले जाने में कितना ज्यादा मजा आता है। काश मैं कभी ले जा पाता। तो लो, आज वो दिन आ गया। वाह, सच में मजा आएगा। लेकिन अगर मिस्टर हब को पता चलेगा तो वो नाराज हो जाएंगे। तुम उसकी चिंता मत करो, डांट मैं खा लूंगा, क्योंकि तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो टीटीपो। तुम मुश्किल में पड़ जाओगे। अब सेटर बोल रहा है ना टीटीपो। तो ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सेटर। अब हमें चलना चाहिए। ठीक है। हाय ग्रेनी। डीजल आ गया। टीटीपो भी। वाओ, डीजल, टीटीपो। अब देखो, ग्रेनी तुम्हारी बोगियों पर कंटेनर्स रख देगा। ग्रेनी। ठीक है टीटीपो, वहाँ थोड़ा सा आगे आ जाओ। ठीक है, आगे आ गया। बिल्कुल ठीक, अब उठाया।
और रखा। दीदी बो, तुम्हें मजा आ रहा है ना? हाँ, बहुत मजा आ रहा है। मैं खुश हूँ। ऐसा करना नियम के विरुद्ध है, पर डीजल ने मुझसे कहा तो मैं मना नहीं कर पाया। बहुत बहुत शुक्रिया क्रेनी। डीजल, तुम्हारा भी शुक्रिया। अरे कोई बड़ी बात नहीं है ये। माल बुगी वापस करने जाता हूँ। यही छोड़ दो, मैं वापस कर दूंगा। हाँ? तुम वापस करोगे डीजल? अरे क्यों नहीं, चिंता मत करो, मैं कर दूंगा। ठीक है, तुम कहते हो तो। मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। ठीक है, बाय क्रेनी, फिर मिलते हैं। गुड बाय। तुम मुझे बहुत याद आओगे टीटीपो। टीटीपो टीटीपो, ला 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 ला। पता नहीं मेरे सारे दोस्त मेरे लिए इतना अच्छा अच्छा क्यों कर रहे हैं। वो मुझे बहुत पसंद करते हैं। टीटीपो। हाँ? हेलो। हाय सिंग सिंग, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुम्हारे लिए कुछ खास करना चाहती हूँ। क्या, तुम भी? आ जाओ। तुम चाहती हो मैं जुड़ जाऊँ? लेकिन क्यों सिंग सिंग? याद है तुमने मुझसे क्या कहा था? काश मैं बहुत तेज दौड़ पाता, बिल्कुल तुम्हारी तरह। तो मैंने सोचा आज मैं तुम्हारा सपना सच कर दूँ। तुम्हें अब तक याद है? कमाल है। ठीक है, तो हम चलते हैं। मुड़ जाओ। वाह! वाह! हम कितनी तेज जा रहे हैं। सिंग सिंग, मजा आ गया। टीटी पो, मैं उदास हूँ क्योंकि तुम जा रहे हो। क्या कहा तुमने? तुम चूचू शहर छोड़कर चले जाओगे तो हम एक दूसरे से कभी नहीं मिल पाएंगे। हम इतनी तेज जा रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। शायद पूछ रही होगी कि मैं खुश हूँ। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। टीटीपो और सिंग सिंग वापस चूचू शहर आ गए। इतना मजा कभी नहीं आया। हाँ टीटीपो, तुम जहाँ भी जाओ हमेशा खुश रहो। तुम क्या कहना चाहती हो? टीटीपो, जल्दी तुम्हें मेरे साथ अभी चलना है। हाँ, इसी समय? सब लोग पहुँच चुके हैं वहाँ पर, साथ चलो जल्दी से। हाँ सही कहा, हमें जल्दी पहुँचना है टीटीपो। पीछे आओ टीटीपो। हाँ आ रहा हूँ। हम आ गए, टीटीपो भी साथ है। जीनी, डीजल, अच्छा हुआ तुम आ गए। हेलो। हाँ, अरे वो जुगनू कहाँ गए? वो कहाँ चले गए सारे? उड़ गए, हम वो तुम्हें दिखाना चाहते थे टीटीपो। क्या कहा जुगनू? हाँ, मैंने तुम्हें बताया था मैं उन्हें देखना चाहता था। हाँ, इसीलिए काम करने के बाद हम उन्हें पकड़ने गए थे। पकड़े भी, लेकिन जब तक लोगो तुम्हें यहाँ लाया वो सब उड़ गए। कोई बात नहीं, हम अगली बार देख सकते हैं। अगली बार तो देख ही नहीं पाएंगे। हम चाहते थे कि तुम जाने से पहले उन्हें देख लो। जाने से पहले? हाँ, देखो ये रहा जुगनू। वाह, वो वापस आ गए। इतने सारे जुगनू मैंने पहले कभी नहीं देखे। चलो अच्छा हुआ, मुझे खुशी है कि टीटी पर उन्हें देख पाया। वाह, ये तो चमक रहे हैं। छोटी रेलगाड़ियों की वजह से टीटीपो का दिन बहुत अच्छा बीता। चूचू टाउन में एक नई सुबह। टीटीपो, क्या तुम्हारी तैयारी हो गई? तैयार हूँ। तुम दूर जा रहे हो इसलिए ज्यादा ध्यान रखना, लेकिन तुम सब के सब यहाँ क्या कर रहे हो? ये मुझे छोड़ने के लिए आए हैं मिस्टर हब। ठीक है, टीटीपो, देर हो जाएगी, तुम्हें अब जाना चाहिए। ठीक है, टीटीपो जा रहा है। टीटीपो, ध्यान रखना। हमें भूल मत जाना। गुड बाय। ध्यान से जाना। अलविदा मेरे दोस्त। क्या हुआ, लग रहा है तुम टीटीपो को हमेशा के लिए विदा कर रहे हो।
वो दूसरे शहर गया है, हम फिर नहीं मिल पाएंगे। फिर नहीं मिल पाओगे? शायद तुमने गलत समझ लिया। टीटी पो एक लंबे सफर पर गया है, बस दो दिन में वापस आ जाएगा। क्या? तो वो शहर छोड़कर नहीं गया? सिर्फ एक लंबे सफर पर गया है। क्या मजाक है ये, मैंने टीटी पो को जुगनू दिखाने के लिए इतनी मेहनत की। मैंने सोचा वो जा रहा है तो मैंने उसका काम कर लिया, उसे वापस आकर मेरा काम करना होगा। अच्छा होगा कि वो मुझे अब गिफ्ट दे। कोई बात नहीं, टीटी पो नहीं गया है, मैं तो इसी बात से खुश हूँ। वैसे सही कह रहे तुम। मैं भी मानती हूँ। उम्मीद है टीटी पो जल्दी वापस आएगा। हाँ, जब टीटी पो वापस आ जाएगा सब साथ घूमने चले। अच्छा अच्छा है। आज मैं बहुत खुश हूँ अपने दोस्तों की वजह से। ये है टीटी पो का सफर। टीटी पो पहली बार इतने लंबे सफर पर जा रहा है। ध्यान से जाना, फिर जल्दी मिलेंगे टीटी पो।